शिहावल तहसील के ग्राम राजगढ़ में विश्वकर्मा में शामिल हुए पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल। श्री पटेल ने मोदी सरकार पर साधा जमकर निशाना, कहा जो मोदी जी ने कहा था वादा अब तक नहीं किया पूरा। धारा 370 हटी लेकिन अब श्री राम मंदिर का निर्माण करा दें पूरा। इसके अलावा तो अब कुछ मुद्दा नहीं बचा है। स्मार्ट सिटी डिजिटल इंडिया नौजवानों को रोजगार 15 लाख बैंक खाते में डालने को कहे थे। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करने की बात कही गई थी। एक भी काम में बीजेपी के लोग सफल नहीं हुए हैं। देश की अर्थव्यवस्था जीएसटी नोटबंदी लागू करके चौपट करने का काम किया है। अब कुछ काम बचा नहीं है। घंटा बजाया मध्य प्रदेश की जनता समझ चुकी है। भाजपा सांसद रीति पाठक पर मंत्री ने लगाया आरोप, कहा हमारे ऊपर जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं सब है राजनीतिक षड्यंत्र। देखिए ऐसा है, उनके पास अब घड़ी घंट के अलावा कुछ बचा नहीं। पूरे देश में आर्थिक तंगी तो आई गई और जो जो कहा था मोदी जी ने वो एक भी काम अभी तक पूरा नहीं किया। एकाध काम और बचा है, धारा 370 को हटाई दिए, वो भगवान श्री रामचंद्र जी का और काम पूरा कर दें। इसके अलावा इनके पास कोई काम बचा नहीं है। इन्होंने जो जो बातें कही थी, स्मार्ट सिटी का नारा दिया था, डिजिटल इंडिया से लेके जो जो भी नौजवानों को 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार दिलाने की बात कही थी, 15 लाख खाते में डालने की बात कही थी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात कही थी, एक भी किसी काम में ये लोग सफल नहीं हुए हैं। और देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको पूरी तरह से जीएसटी नोटबंदी लागू करके चौपट करने का काम किया है। अब ये इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते, घड़ी घंट बजाएंगे तो देश की और प्रदेश की जनता को फिर से गुमराह करने की कोशिश करेंगे। तो प्रदेश की जनता ये समझती है और समझ चुकी है कि हमारे सुख दुख में कौन हमारे साथ है और कौन किसानों का ही देश मंत्री वाले मंत्री इससे उनका सर सर से झुक जाना चाहिए, इससे क्या कहना है? पहले वो अपना हिसाब दें पिछले कार्यकाल का, जिला पंचायत से लेके और फिर सांसद के रूप में जो काम किए हैं, और हमारे ऊपर जो अभी आरोप प्रत्यारोप जिसने भी लगाया है, हम तो कहते हैं कि सबसे बड़ी सर्वोच्च एजेंसी से जांच करा लें, उनकी केंद्र में सरकार है, हम तो हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं, हम जनता के सेवक हैं और जनता के लिए जितना अच्छा से अच्छा हो सकता है एज ए मिनिस्टर काम करके लोगों की सेवा करेंगे, जितनी अच्छी से अच्छी योजनाएं बना सकते हैं वो बनाने का काम करेंगे। ये राजनीतिक षड्यंत्र था और राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमारे भविष्य को, हमारे क्या बोलते हैं, जिस तरह से हम काम कर रहे हैं उसको कहीं न कहीं कुंठित प्रयास था, पर ऐसी बातों से हम डरने वाले नहीं हैं। और जिसके पास कोई प्रूफ है सामने आए, हमने तो अध्ययन भी किया, जिनने आरोप लगाया था हमने तो उनके सारे आवेदन जो जो हमको काम बताए थे सारे काम उनके हुए। एकाध बार ही हमसे पूरे अभी 9 महीने के कार्यकाल में वो हमसे पर्सनली मिले होंगे, कभी उनने जो पत्र भेजे उस पर भी काम किया है। इस तरह का जो भी आरोप प्रत्यारोप है ये सत्यता से पूरी तरह से परे है, दूर है, कहीं भी सत्यता इसमें है ही नहीं। इसलिए इस तरह के नेताओं के टीका टिप्पणी पे ज़्यादा हम ध्यान नहीं देते। हाँ, प्रदेश की जनता, हमारे क्षेत्र की जनता अगर कोई इस तरह की टीका टिप्पणी करेगी, अगर हमारे क्षेत्र की जनता को कोई नाराजगी होगी, प्रदेश की आम जनता को नाराजगी होगी, उसके लिए ज़रूर हम जिम्मेदार होंगे।